हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मैं लक्ष्य गुलेर। तो गाइस, आज की खतरनाक गेम प्ले लेके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्स इग्निस, जिसको मैं अभी दिखा रहा था प्लेन पाथ पे, तो भाई यहाँ पे उसकी स्क्वाड रहने वाली, पूरे एक्सूट की स्क्वाड रहेगी। तो अभी देखो, जैसे मेरे पीछे रहने वाले, तो इनकी क्या ही धुलाई करने वाले हैं, और खतरनाक खतरनाक से यहाँ पे भाई आप लोगों को अभी ग्रेनेड्स के भाई मतलब क्लचेस दिखने वाले हैं, और भाई 1v4 तो लगातार होने वाला है इस मैच में। भाई 28 किल्स होने वाले, तो आप लोग सोच सकते हो कितनी तबाही होगी। तो भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप यहाँ मिलती है S32, और आगे कि मुझे यूजी मिल जाती है, बंदे लैंड कर रहे थे। अब गाइस यहां पे जब उतरो तो थोड़ा सा सेफ हो जाओ एक मिनट के लिए। क्योंकि आप उधर के अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर छपटे आओगे ना भाई, आपकी पेटी बननी बिल्कुल तय है, क्योंकि यहां पे चारों तरफ से बुलेट्स पड़ती है। अब गाइस यहां पे जिस टाइप मैं यहां पे हूं ना, अब यहाँ पे जिसने मैं जिसको मैंने अभी नॉक करा, वहां से भी एंगल मिल जाता है। तो गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा होल्ड कर लो, बस उसके बाद तो भाई किल्स ही किल्स है। या मैं फिर भी एक यहाँ पे एक स्मोक डाल देता हूँ, और सामने से मेरे पे दो बंदे रश कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे देखो इन दोनों बंदों के कैसे पेटी बनाते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के पेटी बनाएंगे। अब ये दोनों बंदे जान रहे थे कि मैं यहीं पे हूँ, लेकिन स्मोक के चक्कर से उनको पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन मेरी। तो गाइस यहाँ पे स्मोक का भला हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक ग्रेनेड डालता हूँ, लो गाइस यहाँ पे इन दोनों बंदों को क्या ही नॉक करते, एक को तो कंफर्म करते हैं, दूसरे वाले को जिसको मैंने ग्रेनेड से नॉक करा था। मैं फटाफट से यहाँ पे आके इसका भी किल्स ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत लूट करते हैं। और लूट करने के बाद भाई, अब जो ये भाई स्क्वाड यहाँ पे तबाही मचाती है ना, बस आप लोग किल फील्ड देखो, एस इग्निस और एक्स ये मेमोरियस भाई, मतलब कि भाई ये दोनों बंदे ना क्या ही लॉबी चमकाते हैं, और इनको हम चमकाने वाले हैं खतरनाक वाला। अभी अभी मैं उल्फ उनके आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कितने बंदे हैं भाई, और साइड्स में यहाँ पे बहुत ही फायरिंग आ रही थी। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उन बंदों की लोकेशन जानेंगे, तो भाई चलते हैं, फिर फटाफट से रश करेंगे। एक तो गाइस यहाँ पे मैं 1600 स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत होगी, मेरी पेटी बनेगी तो तुरंत से कोई रिकॉल नहीं। अभी मैं भाई हीलिंग वीलिंग लगा ही रहा होता, तभी सामने यहाँ पे शायद से ये एक्सूट वाले बंदों का टीम मेट रहता है, तो इसकी पेटी बनाते हैं। अब एक्सूट वाले बंदे अंदर जाके हमें फिनिश हो जाते हैं। तो भाई देखो, ये सामने अंदर तीन बंदे रहने वाले, और इसकी पेटी क्या ही खतरनाक वाली बनाने वाला आपका भाई। अब यहाँ पे सामने एक बंदा दिखता है, बूम भाई साहब, यहाँ पे एक ही ग्रेनेड से तीनों बंदे जाते हैं, जो कि भाई तीनों छपटे आ रहे थे कब से। एक को तो मैंने यहाँ पे UMP से नॉक करा था, फिर ये रिवाइव हो जाते हैं, और ये भाई बंदे मतलब क्या ही बताओ। अब यहाँ पे इन बंदों को चिढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं इमोट वगैरह करता हूँ, तीनों भाई यहाँ पे घुटनों पे पड़े हैं, एक ही ग्रेनेड से तीनों जाते हैं। यहाँ पे इमोट उमोट का ऑप्शन आ गया, स्पेशल इमोट पहले करेंगे, पहले यहाँ पे इनको अपनी इमोट से चिढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। गाइस ये वाला बंदा भी एक्सूट यहाँ पे लेके बैठा है भाई, इसके पास तो दोनों ग्लेशियर ही है। तो गाइस ये वाला ग्रेनेड आप लोगों को कैसा लगा भाई, एक बार जरूर से कमेंट करना भाई, मतलब क्या ही खतरनाक ग्रेनेड गया यार। और गाइस यहाँ पे अपनी फैमिली 4K की होने वाले, 3.9 के सब्सक्राइबर हो गए, तो भाई फटाफट से भाई जो लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना यार, मेरे 4K जल्दी से करा दो यार। अब गाइस यहाँ पे ये स्पेशल इमोट तो बनता है यार, अब गाइस यहाँ पे स्पेशल इमोट यहाँ पे अपना परफॉर्म करते हैं, फिर चलते आगे साइड। अब गाइस यहाँ पे देखो, ये बंदे तो मतलब किल फील बंदों की रुकी नहीं रही थी, अब जब भी बंदे मार रहे थे ना, ये दोनों भाई साथ ही मार रहे थे बंदों को।
kneel before my power. यहाँ पे कैसे भी यहाँ पे मैं जिगल देता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं हमेशा हक देता हूँ गाइस। क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा जिगल दे देता हूँ और मेरा एम सही से लग ही नहीं पाता, और भाई सामने जो बंदा रहता है ना वो निपटा के चला जाता है। भाई क्या बताऊँ यार, ये थोड़ा सा मुझे इंप्रूव करना है। अब गाइस यहाँ पे हम रिवाइव वर्ब होकर अपना रिकॉल लेके यहाँ पे इस साइड आ जाते हैं। यहाँ पे गाइस सामने से दो बंदे रश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वोल्ड वोल्ट से कन्वर्ट हुआ था। तो गाइस यहाँ पे इन बंदों को पता चल जाता है जब मैं पीछे से लूट उट करी के आई रहा होता हूँ। यहाँ पे यूएमपी मेरी एमओ भी नहीं बची थी, और भाई यहाँ पे मतलब उसमें तो भाई मिनी 14 में तो एमओ ही नहीं थी। अब ये बंदे फिर से यहाँ पे रिकॉल होके आते हैं, तो चलो इनको दोबारा पेलते हैं। अब गाइस इन दोनों बंदों की पेटी तो बना देता हूँ। मेरी एचपी यहाँ पे लो हो चुकी थी। अब नीचे भी एक बंदा यहाँ पे स्क्वाड आ जाती है, और यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे भी बंदे रहते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं रोटेट करके पूरा हिल बिल्कुल राइट साइड से ऊपर जाता हूँ, फिर इन बंदों को देखते। कभी कभी गाइस यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे मैं रुकता ना तो मेरी पेटी बननी बिल्कुल तय थी। मैं यहाँ पे पूरा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड से, यहाँ पे बिल्कुल मैं ऊपर जाऊँगा। अब भाई यहाँ पे सीन देखो, इन बंदों को क्या ही गजब का निपटाने वाला आपका भाई। लो गाइस यहाँ पे जिगल एक्शन वाले बंदों की तो मैंने पेटी बना दी थी। अब गाइस यहाँ पे मेरे भाई मतलब गन में एमओ ही नहीं बिल्कुल बची थी, एक बची थी वो भी रिलोड करके। अब इग्निस वाला बंदा बचा है, जो कि भाई यहाँ पे बंदों को निपटाया जा रहा था। मैं फटाफट से मैं पीछे आता हूँ, पहले यहाँ पे भाई एमओ वगैरह इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रबल्स लेंगे, फिर चलते हैं फाइट लेने। तब मैं फटाफट से अपनी भाई यहाँ पे लूट कंप्लीट करते हूं, तब तक ये बंदे मेरे पे रश करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट साइड से जाता हूँ इन बंदों पे, और भाई देखो यहाँ पे इस लास्ट वाले बंदे की भी पेटी बनाता हूँ। इसी के साथ एक्सूट वाले स्क्वाड की पूरी पेटी बन जाती है। अब भाई फटाफट से लूट करेंगे, मेरे 22 किल हो जाते हैं यहाँ पे थ्रेबल्स, और भाई यहाँ पे एमओ वगैरह उठाते हैं।
मैं भी गाइस यहाँ पे डर गया कि ये बंदा यहाँ पे कैसे बैठा है। मैं सोच रहा था कि आप पैनिक रूम में बैठा होगा, लेकिन ये बंदा तो सामने साइड से एंगल रहा था सामने बंदों पे। तो यहाँ पे भाई इसको नॉक करते, उसकी पीरी पेटी डालते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं डीबीओ छोड़ देता हूँ, P90 उठाता हूँ। P90 गाइस यहाँ पे बहुत सारी एमओ पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर P90 उठाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे भाई पीछे भी हिल साइड में भी बंदे रहने वाले हैं, और एक बंदा यहाँ पे मेरे भाई कब घर में आ जाता है बिल्कुल पता नहीं। यहाँ पे देखो भाई, मैं धीरे धीरे घसक के जाता हूँ। ये वाले बंदे को देखो सामने बैठा है, मतलब यहाँ पे मैं जैसे निकलूंगा वैसे यहाँ पे मेरी पेटी बनाने वाला है। तब मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, मैंने कहा जब ये निकलेगा तब यहाँ पे मैं इसको निपटाऊंगा। भाई 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 क्या हार्ट पीक लेके बंदा बैठा हुआ था, अगर गाइस मैं थोड़ा सा भी निकलता तो मेरी पेटी बननी तय थी। अब मैं इसको यहाँ पे भाई मतलब देखता हूँ। मारने जा ही रहा था, लेकिन पीछे से AWM बंदे वाले ने भाई यहाँ पे उसको भाई फिनिश कर दिया। अब दूसरा वाला बंदा दिखता है, दूसरे की पेटी बनाते हैं यहाँ पे, पूरा कंफर्म कर देते हैं। अब जो मेरा ये स्क्वाड हाउस है भाई, सेंटर के जोन में है। अब मेरे आगे भी बंदे रहने वाले हैं, पीछे भी पूरी बंदे रहने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं बीच में बिल्कुल फंसा हुआ था, यहाँ पे बंदे स्मोक वगैरह करके मेरे साइड पे पूरा रश कर रहे थे। अब आगे से भी रश होगा, पीछे साइड से भी रश होगा, और बीच में यहाँ पे पिसने वाला हूँ। जी गाइस यहाँ पे 28 किल से चिकन डिनर होता है, वो भी सोलो स्क्वाड। यहाँ पे भाई आप लोगों को ये वाला गेम प्ले कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और कौन कौन से क्लचेस अच्छे लगे वो भी भाई एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। तो गाइस जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस मेरे 4K की फैमिली जल्दी होने वाली, तो भाई अपना सहयोग दो, जो सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़े बहुत मेरे चैनल को भाई शेयर कर देना यार, 4K करा दो जल्दी से यार। आप गाइस यहाँ पे 28 किल से भाई मतलब क्या देख रहे हो, 5000+ का डैमेज है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है आपसे अगली वीडियो में।